सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल, आपके अपने चैनल अंकित कुमार SCI में। सो हमने अभी नाम चेंज कर रखा है किसी वजह से। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, हम आज सीखेंगे हैंड स्टैंड कैसे करें। सो परफेक्टली हैंड स्टैंड कैसे करते हैं मैं आपको आज सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो पूरी वीडियो देखना, ठीक है, स्किप मत करना। सबसे पहले अपने लेग्स को इतना खोल लीजिए, बेस्ट रहेगा। और हाँ, डेली एक्सरसाइज करते हो तभी करना, वरना मत यूज़ करना इसको। इतना खोलिए एंड देन फिर हमें अपने दोनों हाथ ऐसे ज़मीन पे रखने हैं, ठीक है, ऐसे दोनों पैर ऐसे रहेंगे हमारे ज़मीन पे, उठाने नहीं है, स्टेबल रखने हैं नीचे। एंड देन फिर हम अपने हाथ नीचे रखेंगे एंड उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है हाथों पे प्रेशर उठाने की। सो बेसिकली हाथों के अंदर पावर होनी चाहिए, डेली पुशअप्स मारा लीजिए। पुशअप्स मारने हाथों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और डाइट अच्छी लीजिएगा, सो उससे भी आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर आप हैंड स्टैंड परफेक्टली करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें हैंड स्टैंड आ जाए पर वो कर नहीं पाते, गिर जाते, उनका बैलेंस डगमगा जाता है, सो उनको सिखाने के लिए ये वीडियो बेस्ट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कुछ इस वीडियो में कुछ नहीं अगर समझ आता तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपका प्रॉब्लम है। सो देखिए, कंटिन्यू, हम अपने पैर ऐसे खोल के रखेंगे सीधे एंड हाथ आगे, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है हमारे इनर्शिया को, हमारा जो मिडल पॉइंट है उसको बिल्कुल इक्विवेलेंट लाइन में लाने की, ओके, स्ट्रेट लाइन में लाने की। वो कैसे आएगा, आपको हाथों पे को मोड़ना नहीं है, हल्का सा बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधा भी नहीं रखना, हल्का सा स्ट्रेट रखना है नॉर्मल। एंड देन उसके बाद आपको अपना प्रेशर ऐसे ऐसे उठाना है, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एंड उसके बाद सो देखा आपने किस तरीके से प्रेशर उठता है, अपने हाथ के ऊपर प्रेशर देके अपने आप अपने पॉइंट ऑफ इनर्शिया को आपको एक इक्विवेलेंट लाइन में लाना है। वो अपने आप ही आपके लेग्स ऊपर उठा देगा, झटका नहीं देना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा, झटका नहीं देना है। मैंने पहले भी हैंड स्टैंड के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, जाके इसी चैनल पे देख सकते हैं। सो जब आप ब्लैक खोल के ऐसे, झटका नहीं देना, सिर्फ क्या करना है, हाथों के पास, हाथों से केवल बहुत प्यार से आपको प्रेशर उठाना है, जिससे कि आपके पैर ऑटोमेटिकली हवा में आ जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे। देखिए, सो देखा आप, और आप कितनी भी देर तक हैंड स्टैंड को कर सकते हैं अगर आपको ये प्रेशर के तरीके से उठाना आ गया हैंड स्टैंड। बिकॉज कई लोग होते हैं वो हाथ के बल ऐसे हैंड स्टैंड करते हैं, यही तरीका ठीक है, बट इससे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और चोट भी लग सकती है, और इससे आपके हाथ में अगर ताकत नहीं है सो आप गिर जाएंगे और चॉकलेट चोट लग जाएगी, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा है आप पहले अपने हाथों में ताकत लाएं, ये प्रेशर वाला जो तरीका है इसको अपनाएं, एंड देन उसके बाद आप ऑटोमेटिकली हैंड स्टैंड सीख जाएंगे। ऊपर ऑल करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, थोड़ा दूर हो जाता है ताकि आपको साफ दिखे। एक्चुअली मैं भी काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ, सो बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा तो गिर जाएंगे। कोशिश करिए कि ये चीज़ आप वहीं ट्राई करें जहाँ पे आपकी सेफ्टी हो, मतलब कि आसपास आपके गद्दे लगे हों या फिर घास पे ट्राई करिए,
ऐसे मार्बल वाले फर्श पे बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है और आप गिर जाएंगे। सो इसके लिए सख्त बनाइए। तो चलते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं हूँ अंकित और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ गाइस वीडियो पूरी देखिएगा। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर और कीप हेल्दी, कीप वेल्दी, स्टे सेफ एंड घर पे रहिए और मास्क पहन कर रहिए प्लीज़। ठीक है, सेफ्टी सी में, बाय बाय। और क्या बोलना था, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी दिक्कत हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना दूंगा, बहुत डिटेल में बना दूंगा। आप प्लीज़ पहले इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए कि अगर आपको कैसी लगी मुझे बताइए, और मेरे को थोड़ा नॉलेज में डालिए आपको और क्या क्या सीखना है, मैं आपको सब बताऊँगा। बाय बाय।